मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और क्या कहना चाहता हूं, इसकी चिंता आप छोड़ो। लेकिन मैं जो बात बोलने वाला हूं उस पर आप गौर करो। आप जितने लोग वैक्सीनेटर का फॉर्म भरे हैं या फिर सरकारी जॉब की तलाश में हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आए। मैंने देखा है कि लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघर में, पता नहीं कहां कहां जाते हैं और जा करके कहते हैं, हे भगवान, मेरे घर में सिर्फ दुख ही दुख ना आए, सुख आए, शांति आए। और ऐसे लोग जिनको पता है, पता नहीं कितनी डिग्रियां हासिल की हैं उन लोगों ने, और ऐसे लोग भगवान के दरबार में जाकर के भगवान से यही मांगते हैं कि हे भगवान, मुझे कोई दुख ना हो, मेरे घर में लक्ष्मी आए जाए नहीं। जबकि उनको पता है, आपको भी पता है, आप इस वीडियो को जो देख रहे हैं आपको भी पता होगा कि अगर दिन आता है तो रात भी जरूर आता है, और अगर रात आता है तो दिन भी जरूर आता है, क्योंकि समय चलता रहता है। दुख के बाद सुख आएगा, सुख के बाद दुख आएगा। तो हम क्यों ये कल्पना करते हैं कि सिर्फ सुख ही सुख रहेगा? अगर आपके जीवन में सिर्फ सुख है तो वो सदा नहीं रहेगा, यदि दुख है तो वो भी सदा नहीं रहेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी मेरे भाई वैक्सीनेटर हैं ना, उनको एक जुनून चाहिए, एक जज्बा चाहिए, वो कुछ बनना चाहते हैं, इसलिए आप कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती। मेरी बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा मोटिवेशनल चैनल है और मैं प्रत्येक दिन आपको मोटिवेट करता रहूंगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।